तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर 12 के बच्चे यहाँ पर ट्रायल देने आए हैं मल्टी एक्टिविटी सेंटर में, जो कि अर्जुना क्रिकेट एकेडमी द्वारा यह कराया जा रहा है। तो बहुत कम यहाँ लखनऊ में अंडर 12 के टूर्नामेंट हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे मौका मिलेगा छोटे बच्चों को भी खेलने का, तो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में दीपक त्रिपाठी जी, जो कि यहाँ पर पूरी देख रेख में इनके यहाँ ट्रायल चल रहा है, और साथ में जसमीत सिंह भी हैं, तो जो कि सिलेक्टर हैं यहाँ पे देख रहे हैं। और आज 3 तारीख है, 3 जून, और कल यह ट्रायल फिर चलेगा। आज पहला राउंड है, जो बच्चे आज आ गए हैं ट्रायल देने के लिए यहाँ पर, वो ट्रायल दे रहे हैं। और कल फिर यानी 4 जून 2023 कल फिर यहाँ पर आ सकते हैं ट्रायल देने के लिए। और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, ट्रायल देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आके पहुँचें, अर्जुना क्रिकेट एकेडमी मल्टी एक्टिविटी सेंटर लखनऊ। तो यह जानकारी है आप सभी बेटा भी मेरे ले व्यूवर करे खेलो के लिए, और जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ पर खेलना चाहते हैं, ट्रायल देना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं अंडर 12 के, वो यहाँ पर ट्रायल आकर के दे सकते हैं। देख सकते हैं आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि वाकई में सब अंडर 12 ही है, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा एज के बच्चे नहीं हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हैं ट्रायल देने के लिए। तो जैसा कि एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कल सुबह 10:30 बजे यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं ट्रायल देने के लिए। तो कल फिर यहाँ पर ट्रायल होगा, जो बाकी बचे बच्चे हैं उनका। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर ट्रायल देना चाहते हैं, वो आ करके अर्जुना क्रिकेट एकेडमी में दे सकते हैं ट्रायल, और मल्टी एक्टिविटी सेंटर लखनऊ, जिसका फ़ोन नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये स्क्रीन पर आ रहा है फ़ोन नंबर, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं अर्जुना क्रिकेट एकेडमी को। एक जसप्रीत सिंह जी का नंबर भी है, और राहुल त्रिपाठी का, माफ़ कीजिएगा, दीपक त्रिपाठी। तो कल फिर ये ट्रायल चलने वाला है, तो जितने भी प्लेयर्स ट्रायल देना चाहते हैं वो ट्रायल दे सकते हैं आ करके। आपको एक जानकारी और बता दूं, जो यहाँ पे टीमें सेलेक्ट करेंगे, लड़के सेलेक्ट होंगे, उन लड़कों को सबको बांटा जाएगा ग्रुप में, ग्रुप वाइज में, और टीम बनाई जाएगी, और सबके मैचेस होंगे, और उसके बाद जो फाइनल मैच होगा वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, फ्लड लाइट लगी हुई है, सब नाइट में मैच होंगे फ्लड लाइट में। तो मैं बात करूंगा दीपक जी से, जैसे कि यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जसप्रीत सर, तो सर से कुछ बात करेंगे। सर, ये आइडिया कैसे आया कि आपको अंडर 12 का टूर्नामेंट जैसे बहुत कम होते हैं, तो कैसे आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसको क्या आपकी सोच है? देखिए, राइट एज होती है बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जैसे बडिंग क्रिकेटर्स होते हैं, तो कुछ ऐसा इवेंट करने की सोची थी कि जो ना हो रहा हो कहीं पर अंडर 14 अंडर 16, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं इनको कम मौका मिलते हैं, तो उनके लिए एक सोच, एक पहल थी दीपक त्रिपाठी जो कोच हैं यहाँ के हेड, उनके द्वारा ये सोच आई, और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए, क्योंकि तो उसको शौक है, बच्चों के साथ मेहनत करता है वो, तो फिर उसी ने इसको आइडिया को आगे किया। तो अंडर 12 जो है वो बेसिकली अंडर 12 एक स्टार्टिंग एज होती है, इस एज में जी बिल्कुल, ये जो एज होती है ना, इसमें बच्चे को कोई रूम और कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर वो आगे उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ सकता है, आगे उसको दिखता है कि क्या है, कंपटीशन जब दिखेगा तब उसे पता चलेगा वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसमें पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, पेरेंट्स भी ये जज कर सकते हैं मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उनको भी आगे फ्यूचर भी करियर भी देखना है। अगर कुछ होता है कि मान लीजिए कि अच्छा है, तो फिर पेरेंट्स भी मेहनत और करने लगते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि डायरेक्शन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए अंडर 12 की सोच आई थी। अच्छा, एक बात और, जैसे कि अंडर 12 का ट्रायल चल रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, तो ये क्या दिन ट्रायल चलने वाला है? आज है, आज 3 जून है, आज चल रहा है, और क्या कल भी होगा उसका क्या? हाँ बिल्कुल, ये ट्रायल 2 दिन है, सैटरडे संडे रखा गया है, और आज भी 50-60 के आसपास लोग आए हैं, लेकिन कल उम्मीद है कि 100-150-200 लोग यहाँ आए, क्योंकि ऑल ओवर यूपी से हमारे पास कॉलें आ रही थी, और वो सब मुझे लगता है आज और कल में यहाँ पर आएंगे। जैसा कि एक बात ये भी है कि अब जो यहाँ पे फाइनल मैच होंगे वो शायद नाइट में कराने बिल्कुल का, बिल्कुल, ये पूरा ऑर्गेनाइज यही किया गया है कि बच्चों को एक सब चीज़ों का वो मिल जाए प्लेटफॉर्म,
उनको पहले 35 ओवर के मैचेस मिलेंगे, फिर उनको पूरी जो सुविधा हो सकती है हम लोग की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, और नाइट मैच फाइनल कराया जाएगा जिससे कि उनको नाइट मैच का भी एक एक्सपोजर मिल सके कि नाइट मैच एक्चुअली होता कैसे है। तो पूरा टूर्नामेंट पिंक बॉल से भी कराया गया, ये भी एक वो है, एक इस टूर्नामेंट की एक कहते हैं स्पेशल बात है। जी जी जी, तो वो भी किया गया। तो जैसा कि देख रहे हैं जसप्रीत द्वारा जी बताया गया यहाँ पर कि टूर्नामेंट होगा बहुत अच्छे लेवल का होगा, और जल्दी से टूर्नामेंट यहाँ पे हो नहीं रहे थे अंडर 12 के, तो लखनऊ में यहाँ मल्टी एक्टिविटी सेंटर में कराया जा रहा है। तो आप जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएँ और ट्रायल दें, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल के निकल के आएगा आपको ज़रूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जसप्रीत जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं, तो कल फिर 4 तारीख है, और 4 तारीख को आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं ट्रायल देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।